नमेरिकल नंबर सिक्स पॉइंट फोर है ए फाइव हंड्रड ग्राम स्टोन इज थ्रोन थ्रोन अपवर्ड विद ए विद ए विलासटी ऑफ फिफ्टीन मीटर पर सेकेंड फाइंड इट्स पोटेंशियल एनर्जी एट मैक्सिमम हाइट एंड दूसरा अपने फाइंड करने है कैनिटिक एनर्जी वेन इट हिट्स ग्राउंड जब ग्राउंड से ये टच करता है दोबारा तो वापस आकर तो उस वक्त तो डाटा हमें दिया गया है जो है मैस एम 500 ग्राम इसको हमने केजी में कन्वर्ट किया तो ये हाफ के जी बन गया ज़ीरो पॉइंट फाइव के जब नीचे से ऊपर फेंका गया था उस वक्त इसकी विलासती जो है फ़िफ्टीन मीटर पर सेकंड थी टू तो फाइंड इसमें हमने करना है पोटेंशियल एनर्जी एट मैक्सिमम हाइट पी तो सेकेंड हमने फाइंड करना है जब ये वापस स्टोन आएगा और ग्राउंड से हिट करेगा तो उस वक्त तो इसकी कैनेटिक एनर्जी क्या होगी फाइंड कैनिटिक एनर्जी व्हेन इट हिट्स ग्राउंड. तो हम जानते हैं कि जब इसको ये स्टोन है स्टोन को हमने वर्टिकली अपवर्ड फेंका और ये स्टोन का मैस है और ये वर्टिकली इसको हमने फेंका है और यहाँ इसकी विलासटी भी है जब हमने इसको ऊपर फेंका तो वही नो दैट कि इसकी कैनेटिक अनर्जी वही नो दैट के ई देन इट इज थ्रून अपवर्ड तो जब हमने इसको ऊपर फेंका था तो इसकी कैनेटिक एनर्जी के ई जो थी वो हाफ एम वी थी हाफ एम वी स्केयर थी जब हमने इसको ऊपर फेंका तो इसकी टोटल जो है एनर्जी तो इसकी पी ई जो है अकॉर्डिंग टू अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ये इसकी अनिशियल कैनेटिक अनर्जी जो है जैसे जैसे ये स्टोन ऊपर को जाएगा तो इसकी कैनेट्रिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट होती जाएगी और एट मैक्म मैक्सिमम हाइट पर पहुँच इसकी ये मैक्सिमम हाइट पे पहुंच गया तो इसकी विलास्टी चूँकि ज़ीरो हो गई और ये हाइट मैक्सिमम होगी हाइट मैक्सिमम होगी तो इसकी पोटेंशियल तम, टोटल तमाम की तमाम पोटेंशियल एनर्जी जो है वो कैनिटिक एनर्जी तो ज़ीरो हो जाएगी क्योंकि ब्लास्टि ज़ीरो होगी और सारी की सारी पोटेंशियल कैनिटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी यानी एम जी एच हो जाएगी अब हमने इसमें तो एम जी एच है हाफ एम वी स्केयर के यहाँ हमने ये वैल्यू पुट कर दी यानी ये एम जी एच के इसके इक्वल है के ई के यानी इनिशियल के ई के बराबर होगी तो हाफ एम बी स्केयर यहाँ हमने वैल्यू पुट कर दी ज़ीरो पॉइंट फाइव मल्टीप्लाई बाई ये फिफ्टीन का स्केयर तो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी इसलिए आ गई वन ओवर टू मल्टीप्लाई बाई ज़ीरो पॉइंट फाइव मल्टीप्लाई बाई टू हंड्रेड ट्वेंटी फाइव और इसको हमने सॉल्व किया तो सॉल्व करने से हमारे पास वैल्यू जो है इसकी आ गई ये इसको, इसको इसको इस पर डिवाइड कर दिया तो ये ज़ीरो पॉइंट टू फाइव आ गया मल्टीप्लाई बाई टू टू फाइव और इसको सॉल्व करने से फिफ्टी सिक्स पॉइंट टू फाइव जऊल इसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी जब ये मैक्सिमम हाइट पर पहुंचेगा। अब ये स्टोन जो है ये वापस अर्थ की तरफ आएगा और ये हिट करेगा तो इसकी यहाँ जो पी ई है क्योंकि हाइट डिक्रीज़ होती जाएगी हाइट के डिक्रीज़ होने की वजह से एम जी एच एच कम होती गई और पोटेंशियल एनर्जी भी इसकी डिक्रीज़ होती गई और ये के ई इसकी विलासती चूँकि इंक्रीज हो रही है और यहाँ आकर फिर इसकी विलासती जो है जितनी ब्लास्टी से ऊपर इसको फेंका गया था उतनी ही ब्लास्टी से ये नीचे हिट करेगा और इसकी टोटल पोटेंशियल एनर्जी जो है वो कैनिटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी तो सेकंड जो है ये के ई इसकी फिर कितनी होगी व्हेन इट हिट्स ग्राउंड इज इक्वल टू पी एट मैक्सिमम हाइट तो ये पी ई एट मैक्सिमम हाइट हमने कैलकुलेट कर ली है तो ये फिफ्टी सिक्स पॉइंट टू फाइव जऊल इसकी अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यानी टोटल एनर्जी कांस्टेंट रहेगी इसकी और ये जब ये वापस हिट करेगा तो इसकी एनर्जी ये फिर उतनी होगी